हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कई टर्म से आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी, तो जो मेन चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके एक नंबर दो नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक जो शॉर्ट नोट्स है उसको बारी बारी से पढ़ाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शंस होती है वो उसके अंडर में जो फोटोफास्फोराइलेशन होता है, तो मैंने बताया था फोटोफास्फोराइलेशन टू टाइप्स का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, और मैंने उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आपको सिखाया था। तो अब अलग से आपके पास कई बार शॉर्ट नोट्स आता है और कई बार क्या बहुत बार आया, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन आता है डिफरेंट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये टॉपिक भी 11th NCERT का है, तो 11th के लिए भी और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि BSc में फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है वो डिटेल में है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कोई भी डिफरेंस लिखने के पहले हमें एक कॉलम बनाना होता है कैरेक्टर्स का, जिसमें हम वो कैरेक्टर लिखते हैं जिसके बेसिस पे हम उन दो चीज़ों में डिफरेंस लिख रहे हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने एक कॉलम बनाया है कैरेक्टर का और एक कॉलम सीरियल नंबर का, फिर नॉन साइक्लिंग एंड साइक्लिंग फोटोफास्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स, जो पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो साइक्लिंग है। साइक्लिंग क्या है, आप नाम से भी क्लियर है, मैंने पढ़ाते टाइम पिछले टाइम भी बताया था कि साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ वापस आ जाता है, तो वो होता है साइक्लिक, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो रही। अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ से चल रहा वहाँ से कम बैक होकर वापस नहीं आया तो दैट इज़ द नॉन साइक्लिक। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वंस लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर आर नॉट रिटर्न बैक टू कम बैक, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है वहाँ वापस नहीं आ रहा, ये है नॉन साइक्लिक। और फिर जो साइक्लिक है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर कम बैक टू द सेम, यानी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से लॉस्ट हो रहा है वो वहाँ पे वापस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक। दूसरा क्या है, साइट प्लेस, यानी कि कहाँ पे होता है। तो जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन वो कहाँ होता है, ग्रेना ऑफ थैलाकॉइड, यानी थैलाकॉइड के ग्रेना में होता है या ग्रेना लैमिनी में होता है। जब आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था दो तरह की लैमिनी होती है, एक होती है ग्रेना लैमिनी, एक होती है स्ट्रोमा लैमिनी। तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है वो कहाँ होता है, ग्रेना लैमिनी में होता है, और जो साइक्लिक है वो स्ट्रोमा लैमिनी में होता है। नेक्स्ट क्या है, फोटोसिस्टम, यानी कि कौन कौन से फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नॉन साइक्लिक जो फोटोफास्फोराइलेशन है उसमें जो दो फोटोसिस्टम होते हैं P650 एंड P700, अगर आप याद आए आपको, तो जब उस पर सनलाइट पड़ती है और वो एक्साइटेड होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो इसमें जो नॉन साइक्लिक है उसमें टू फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और 2, जबकि जो साइक्लिक है उसमें सिंगल फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, पिगमेंट फोटोसिस्टम 1। फिर उसके बाद क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर ब्रेक होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो आप लिख सकते हैं कि नॉन साइक्लिक में होता है, जबकि साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, नॉट अकर। फिर क्या है, ऑटो इवोल्यूशन, अब ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व हो रही है, हमने फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके क्या ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अवर एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए। तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होती है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है उसमें क्या होता है, फोटोलिसिस होती है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, जबकि जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या है, ईंड प्रोडक्ट, यानी कि जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हैं उनके ईंड प्रोडक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है उसका जो ईंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, NADPH2 और ATP, यानी दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है उसमें इन प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ ATP होता है, यानी उसमें सिर्फ ATP रिलीज होते हैं। फिर क्या है, परफॉर्मेंस, यानी कि जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हैं ये किस तरह की लाइट में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है वो बेस्ट परफॉर्म कहाँ करता है, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी में, यानी जब लाइट तेज़ होती है,
जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो कहाँ पे परफॉर्म करता है, लो लाइट इंटेंसिटी में, यानी लो लाइट इंटेंसिटी में वो अच्छे से परफॉर्म करता है। नॉन साइक्लिक ऑप्टिमम में इसलिए भी करता है क्योंकि वहाँ पे फोटोलिसिस हो रही है, फोटोलिसिस तभी होती है जब उसमें तेज़ लाइट पड़ती है, तो एक्साइटमेंट होता है क्लोरोफिल में और फिर उसके बाद क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़िएगा। और कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगी ऐसे ही कोई डिफरेंस का, और फोटोसिंथेसिस चैप्टर के ही मैं सारे टॉपिक शॉर्ट, जो भी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चंस आते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर से, मैं वो सारे टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।